हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ उसे चाहे प्रार्थना कहें या अफर्मेशन कहें या फिर ग्रेटिट्यूड कहें, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको फुल डे स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। आपका माइंड सेट बिल्कुल बदल चुका होगा इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, अफर्मेशन शब्द का हिंदी मीनिंग है औपचारिक रूप से किसी बात को सही मानना या निश्चय पूर्वक समर्थन करना। लेकिन आपको इसको सिर्फ सुनना ही नहीं है, इसको संपूर्ण विश्वास के साथ अपने मन में और अपनी जिंदगी में और डेली लाइफ में भी उतारना पड़ेगा। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस काम कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है। जब आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस या ग्रेटिट्यूड या पॉजिटिव शब्द अपने जिंदगी में हर दिन लेके आएंगे, उसके बारे में हर दिन सोचने लगेंगे, हर वक्त अच्छी बातें ही सोचने लगेंगे और उसको अपने दिमाग में उतारने लगेंगे, तो कुछ दिन या कुछ महीने बाद आपको ये सच लगने लगेगा और इससे होगा ये कि वो बातें सच में बदलने लगेंगी। आप अपने काम में ज्यादा फोकस्ड हो पाएंगे और वही आपको सफलता दिलाएगा। मैं मानता हूँ कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन चला गया है, लेकिन मैं ठीक हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे थॉट्स मेरे कंट्रोल में हैं, मैं खुश हूँ, मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है, मैं खुद सभी तरह की निगेटिव एनर्जी से बहुत ऊपर हूँ, मैं खुद को जानता हूँ, मैं खुद को पहचानता हूँ, मेरी मंजिल तक पहुँचने के लिए मुझे जो भी चाहिए वो सब मेरे पास है। मुझे पास्ट और फ्यूचर छोड़ के वर्तमान में रहना अच्छा लगता है। मैं अभी भी वर्तमान में हूँ, अपनी सांसें महसूस कर सकता हूँ। इन सांसों के लिए मैं इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए मैं इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूँ। यह पॉजिटिव एनर्जी अभी भी मेरे साथ है, मैं कुछ नहीं खोया हूँ। मेरे साथ मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सपना है, वह सपना मुझे खुद ही पूरा करना। मुझमें वह सभी काबिलियत है जो मेरे सपने के लिए काफी है। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मुझमें इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी कठिनाइयों को आराम से सह सकता हूँ। मुझे मेरी जिंदगी का मकसद अच्छी तरह पता है। मैं आज अपने लक्ष्य के थोड़े और पास आ गया हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे साथ मैं खुद हूँ और मैं मेहनती हूँ। मेरी मेहनत मुझे मेरे सपने के और पास ले जा रही है। मैं एक ऐसे रास्ते में हूँ जो मेरी मंजिल की तरफ जाता है। मैं अपनी मंजिल की तरफ अच्छी तरह देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। उसको पाने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने शरीर को अपनी इच्छाओं को वश में करना अच्छी तरह आता है, क्योंकि मैं शरीर की बजाय एक आत्मा हूँ और आत्मा मेरे दिमाग को, दिमाग मेरे मन को और मन मेरी इच्छाओं को कंट्रोल करके रखता है। मंजिल का मकसद सिर्फ मेरी आत्मा का शुद्धिकरण है। इस मंजिल के सफर में मैं खुद के साथ हूँ। मैं खुद के साथ बहुत खुश रहता हूँ। मैं अकेले नहीं, एकांत में हूँ। यह ब्रह्मांड अनंत है, मैं इसी अनंत ब्रह्मांड से बना हूँ, इसीलिए मेरी हिम्मत भी अनंत है। मैं जो भी करता हूँ उस रास्ते के लिए, उस मंजिल के लिए ही करता हूँ। मुझे दूसरों को खुश देख कर खुशी होती है। मेरा गुस्सा मुझसे बहुत दूर है। मैं मजबूत हूँ, मेरे इरादे मजबूत हैं, मेरी सोच बिल्कुल सही है। मेरे माँ बाप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, मेरे लिए भगवान है कि मैंने उनको ही देखा है और मैं भी अपने माँ बाप की तरह मजबूत हूँ। साफ दिल का हूँ, मेहनत करने वाला हूँ। मेरा फोकस रिजल्ट की बजाय अपने काम पर है, अपनी मेहनत पर है। मैं हर दिन अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ। मैं नई नई चीजें सीख रहा हूँ जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाएंगी। मेरा हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकेंड और हर सोच सिर्फ मेरे मकसद से जुड़ी है। मैं मानता हूँ कि आज मैं जैसा भी हूँ उसकी जिम्मेदारी मैं खुद अपने ऊपर लेता हूँ। मैं कितना समझदार हूँ जो यह जानता हूँ कि मैं जैसा भी हूँ वह सिर्फ मेरी वजह से हूँ, और इसीलिए मुझे खुशी भी है कि मैं अपनी जिंदगी बदलने जा रहा हूँ। मैं समय की कदर करता हूँ। मैं हर इंसान की कदर करता हूँ जिनकी अच्छी या बुरी आदतों से मेरा हौसला और बड़ा है। मैं अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं हमेशा ही अच्छा फील करता हूँ। मेरे अंदर वो सभी ताकत हैं जो मुझे आगे बढ़ाती रहती हैं। मैं हर समय हिम्मत बनाए रखता हूँ। मुझे अपने आप पर गर्व है। मैं खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं अपनी मंजिल को हर हाल में पाना चाहता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। यह मेरे लिए संभव है। मैं इसके लिए ही बना हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी दोस्तों का जो अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।